प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस फाइनली पेरेंट्स बन चुके हैं। शादी की 3 साल बाद निक और प्रियंका के घर किलकारियां गूंज उठी हैं। बता दें आपको, शुक्रवार की रात निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा ने गुड न्यूज शेयर की कि वह अपने घर में स्वागत कर रहे हैं अपनी बेबी का। सरोगेसी के जरिए वह पेरेंट्स बन चुके हैं, लेकिन निक और प्रियंका ने ये नहीं बताया है कि उनके बेबी बॉय का जन्म हुआ है या फिर बेबी गर्ल का। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि निक और प्रियंका एक बेटी के पेरेंट्स बन चुके हैं। इसी दौरान देखा जाए तो सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सरोगेसी के जरिए प्रियंका चोपड़ा मां बनी है, उन्होंने ये रास्ता क्यों अपनाया, ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ कुछ लोग प्रियंका को सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसी दौरान देखने को मिल रहा है कि प्रियंका सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा फाइनली शादी के 3 साल बाद मां बन चुकी हैं। बता दें आपको, 1 दिसंबर साल 2018 में अमेरिकन सिंगर एक्टर निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा शादी के बंधन में बंधी थी। वहीं शादी के कुछ महीनों बाद ही फैंस इंतजार करना शुरू कर दिए कि आखिरकार कब प्रियंका चोपड़ा गुड न्यूज देंगी, आखिरकार कब निक और प्रियंका पेरेंट्स बनेंगे। फाइनली निक और प्रियंका पेरेंट्स क्लब में शामिल हो चुके हैं। शादी के 3 साल बाद निक और प्रियंका पेरेंट्स बन चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। वेल, सोशल मीडिया पर जिस तरह से सरोगेसी के जरिए मां बनने के बाद प्रियंका ट्रोलिंग का सामना कर रही है, लेकिन प्रियंका से पहले सरोगेसी के जरिए कई स्टार्स पेरेंट्स बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रियंका चोपड़ा को नेटिजन्स, देखिए ये रिपोर्ट। इंटरनेशनल कपल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस फाइनली पेरेंट्स क्लब में शामिल हो चुके हैं। शादी के 3 साल बाद निक और प्रियंका के घर एक नन्हे से मेहमान ने दस्तक दी है। सरोगेसी के जरिए निक और प्रियंका के पहले बेबी का स्वागत हुआ है। बता दें आपको, निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा को लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ निक और प्रियंका को ट्रॉल भी किया जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया पिछली रिपोर्ट में, फेमस राइटर तस्लीमा नसरीन किस तरह से सरोगेसी के खिलाफ हैं। तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया पर कई ट्वीट शेयर किए हैं, लेकिन उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को सरोगेसी के लिए निशाना नहीं बनाया है। निक और प्रियंका पर उन्होंने प्यार लुटाया है, लेकिन वह सरोगेसी के खिलाफ है। दूसरी ही तरफ यूजर्स भी लगातार प्रियंका और निक के इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में निक और प्रियंका के खिलाफ किस तरह से यूजर्स ने ये तमाम कमेंट्स किए हैं। यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, मिलेनियर्स बाइंग ह्यूमन बींग्स, दैट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। वही एक यूजर ने लिखा है, इफ सरोगेसी इज मेडिकल नीडेड आई कैन अंडरस्टैंड, बट जस्ट टू सेव योर बॉडी और टाइम यू डू दिस, इट्स रियली अ इंसल्ट फॉर मदरहुड। इफ यू डोंट हैव टाइम टू गिव बर्थ, हाउ विल यू आर गोइंग टू रेज हर। इतना ही नहीं, यहाँ पर सुनील नाम के एक यूजर ने लिख दिया है, जो औरत माँ बनने के लिए पैसे के जोर पर दूसरी औरत के पेट का इस्तेमाल करे और उस औरत के पेट से पले हुए बच्चे को अपना नाम दे, ये माँ कहलाने के लायक नहीं है। अगर खुद में प्रॉब्लम है और माँ नहीं बन सकती है तो बात अलग होती। वहीं यहां पर प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधते हुए और भी कई बातें कह डाली हैं यूजर सुरभि।
और भी कई बातें कही गई हैं प्रियंका चोपड़ा के लिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें सोशल मीडिया पर प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनने का फैसला लिया है, प्रियंका और निक के इस फैसले से नाखुश नजर आ रहे हैं उनके फैंस। वेल, बताना चाहेंगे आपको, सेनोरेटा नाम की यूजर ने लिखा है, सरोगेट व्हाट्स द रिपीट, सरोगेट व्हाट इज रिपीट, सरोगेट व्हाट्स विद wearing your own child। वहीं यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है, Why are you announcing something that was already completely private and then ask for privacy? You don't want privacy, you want people begging for details। वहीं यहाँ एक यूजर ने लिखा है, It's amazing how celebrities don't even want to have their own kids anymore and rather just pay for it। Well, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन सेलिब्रिटीज को लेकर नाराजगी जाहिर की है जो सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बन चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिनके बच्चों का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ है। एक यूजर ने लिखा है, डोंट बाय अडॉप्ट रिप्रोडक्टिवली रिपीट, डोंट बाय अडॉप्ट रिप्रोडक्टिवली एक्सप्लॉइटिंग अ वोमेन इन एन इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इज डिस्कस्टिंग, स्टॉप सेलिब्रेटिंग ह्यूमन टेरिफिकिंग। इस तरह से सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज को जमकर ट्रॉल किया जा रहा है। एक यूजर ने यहाँ पर हार्ट ब्रेक इमोटिक शेयर रिपीट, एक यूजर ने यहाँ पर रेड हार्ट ब्रोकन इमोटिक शेयर किया है, लिखा है, सो सैड टू लाइव इन अ वर्ल्ड वेयर वुमेन आर ट्रीटेड एज इनक्लूडर्स रिपीट। आप सभी ने देखा जाना कि प्रियंका अब ट्रॉलिंग का जमकर सामना कर रही हैं, लेकिन अब तक प्रियंका और निक ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रॉल करना शुरू कर दिया है, लेकिन निक और प्रियंका ने इस गुड न्यूज को शेयर करने के बाद कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया है और ना ही अपनी खुशी को स्टेटमेंट के जरिए जाहिर किया है। फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं निक और प्रियंका की बेबी की पहली झलक का। इस रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।